नमस्कार दोस्तों, रामा नेशनल लेजर फ्रॉम चंडीगढ़। दोस्तों, रत्नों के ऊपर, पुखराज के ऊपर मेरे बहुत से एपिसोड आए हैं। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति का पत्थर जो पुखराज है। मैंने ओवल आपको दिखाए हैं, आज हम स्क्वेयर पुखराज की बात करेंगे। ये डेमो है, दिस इज ओनली फॉर डेमो, ताकि आपको पता लगे। इसका पीत वर्ण है, पीला रंग है, और बृहस्पति का अपना रंग भी पीला है। दोस्तों, ये सिलोनी जो श्रीलंका का पत्थर है, ये वो है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये लेबोरेटरी टेस्टेड है, इसकी ग्रेविटी 4 है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ग्रेविटी 4 का पत्थर अगर आप पहनते हैं तो दोस्तों जिंदगी के अंदर चमत्कार होना बिल्कुल वाजिब है। हाँ, एक और चीज दोस्तों, जैसे लास्ट हमारे एपिसोड आए हैं उसके अंदर बेनिफिट्स लॉस भी बताए गए हैं, आज मैं आपको एक और चीज बता देना चाह रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से, कि अगर आप पुखराज रत्न धारण करते हैं, जैसे मैंने बताया है कि ये फैट बर्नर है, पढ़ाई लिखाई में बहुत आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, कई बार एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, कि अगर किसी प्रकार की, जिसे हम बोलते हैं अपने आप में हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हेल्थ इश्यू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा दोस्तों पुखराज से ऊपर कोई रत्न नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये पीला रंग है, ये डार्क पीला है, इसमें लेमन कलर भी है, 16-17 तरह के पुखराज आते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप मार्केट अगर लेने जा रहे हैं तो आपके साथ कहीं कुछ चीटिंग ना हो जाए, आपको पता लगे कि जो मैं पत्थर खरीद रहा हूं, जो इसकी इतनी भारी भरकम जो फिगर पे कर रहा हूं, वाकई में ये पत्थर मेरे लिए है भी या नहीं है। हाँ, कई बार चाइनीज पत्थर आए हुए हैं, ढेरों चाइनीज पत्थर मार्केट में भरे पड़े हैं। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, दिस इज ओनली फॉर डेमो। मैंने आपको डेमो दिखाई है, स्क्वेयर पत्थर है, बहुत बढ़िया कटिंग है, अच्छी कटिंग है। इससे गोल्ड में डाला जाता है, दिन वीरवार सुबह 11 बजे से पहले पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, एक अच्छे ब्राह्मण पुरोहित से आप इसकी पूजा करवाइए और आप इसे धारण करिए। हाँ दोस्तों, हेल्थ इश्यू हो, वेल्थ इश्यू हो, दोनों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, यह है देवगुरु बृहस्पति का पत्थर पीला पुखराज। तो दोस्तों, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से आपकी तरफ लेके आए थे, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो नीचे स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, इसके ऊपर कॉल करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के जान सकते हैं कि कौन सा पत्थर, कौन से उपाय आपके लिए बने हैं। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।